Okay, Roxanne, welcome back to my channel. Your textbooks are available in the market and that's the good news. कि हम लोग कभी जुगाड़ नहीं करना पड़ेगा, क्वेश्चन लिखो फिर सॉल्व करो, ये करो वो करो, राइट? रेडीली क्वेश्चंस आर अवेलेबल. सो टेक्सटबुक का मुहूर्त लगाने के लिए टुडे आई एम स्टार्टिंग विद सम नंबर 8. ओके, अगर कोई ऐसे है जिन्होंने टेक्सटबुक नहीं ली है तो गो एंड प्लीज टेक इट नाउ, द टेक्सटबुक्स आर अवेलेबल. हाँ, वेट करना पड़ेगा. बी केयरफुल दैट यू आर कीपिंग अ गुड डिस्टेंस बिटवीन टू कस्टमर्स और टू पीपल इन सोसाइटी ऑल्सो, राइट? तो हमें कोरोना से बचना है, बराबर? क्या हो? बीमारी से लड़ना है, बीमार से, राइट? और बीमार होना भी नहीं है. तो बी अलर्ट, बी अवेयर व्हेनेवर यू एंटर द सोसाइटी. द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. सॉरी, ये तो 9 हो गया. क्वेश्चन नंबर 8, द बैलेंस शीट ऑफ आदित्य एंड समीर हु शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1 एज ऑन 31st March 2018 आर एज फॉलोस. कैपिटल आदित्य 90,000, समीर 48,600. Investment fluctuation reserves 15,000, general reserve 12,000, creditors 63,000, bills payable 60,000, land and building 75,000, investment 1,08,000, debtors 39,000, goodwill 12,000, profit and loss account 12,000, advertisement suspense that is 12,000, cash 30,600. Okay, on 4 September 2018, Raju was admitted into the partnership on the following terms. Who is admitted? Raju. पहले से कौन है? आदित्य और समीर. Very good. Raju pays 30,000 as his capital for 1/4 share in future profit. Right? Now 1/4 share future का है. Clear cut दिया हुआ. Raju pays 15,000 for goodwill. Half of the sum is to be withdrawn by Adil and Samir. RDD is to be created at 10%. तो हम लोग debtors को demark कर लेंगे. So that whenever we post, we should be alert कि उसको हमें inner column में post करना है. The value of land is appreciated by 30,000. तो land को mark कर लेंगे. It is appreciated by 30,000, right? कम नहीं हुआ है, याद रखना. Appreciated दिया हुआ है, correct? तो गलती से भी 70 की चीज 35 पे लानी नहीं है, but 70 में 35 बढ़ाना है, या 75 में 30 बढ़ाना. Then investments were reduced by 22,500. तो investment को भी mark कर लेंगे हम लोग. Sundry creditors are to be valued at 62,250. Okay, not an issue. Capitals of Adil and Samir are to be adjusted into Raju's capital as base. That means you need to find the new capital ratio, right? New profit sharing ratio. वो हम लोग ढूंढ लेंगे. Okay, जैसे मैं अभी करते आया हूँ वैसे हम लोग दो पार्ट में करेंगे इस सम को भी, so that आप easily समझ जाओ. Clear? Adjustment of the capital is to be made through cash. After adjusting the capital, whatever is remaining, either the partners will bring cash or they will be paid cash. Okay, that is the meaning, simple meaning of the sentence. Prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet of the new firm as on 1st February 2018. Right? So shall we start posting first? Okay. By the post kar lete aur baad mein adjustment solve kar lete. Then okay. So capital 90 and 48. कौन कौन है अपने पास? आदिल, समीर और अभी कौन आया? राजू. ओके, सो आदिल, समीर एंड राजू बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 90,000 एंड 48,600. 90,000, 48,600 राजू को फिलहाल कैश. ओके, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हाउ मच दे हैव सेड? 15,000. और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू चेंज हुई है क्या? हुई है ना. तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को हम लोग क्या कर लेंगे? थोड़ा सा बाजू में रख देंगे करेंटली और बाद में उसको यूज कर लेंगे. ओके, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को अभी हाथ लगाना नहीं है. डन, समझ में क्या बोला? इन्वेस्टमेंट के बारे में हम लोग ने देखो 22,500 से कम करना है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना था? 3,000 ही है, राइट? तो कहीं पे कुछ भी बचने वाला नहीं है. जनरल रिजर्व किसका है? पार्टनर्स का. व्हाट इज द रेशियो? 2:1. ओके, सो बाय जनरल रिजर्व इट्स 12,000, राइट? ओके, सो 12,000 डिवाइड बाय 3 दैट इज 4,000 एंड 8,000. आई होप आई एम क्लियर. यस, समझ में आगे. सेंट्रल क्रेडिटर्स देयर इज एडजस्टमेंट. सेंट्रल क्रेडिटर्स ऑफ द लायबिलिटी है. सो क्रेडिटर्स 63,000. Then I have bills payable 60,000, no adjustment. So सीधे सीधा बाहर भेज दो, कोई problem नहीं. 60,000. Then
Then land and building, is there an adjustment on that? Land and building, an adjustment? Yes. So inner column, I am writing in shortcut, you will be able to write. Your job is at the marks, right? I have written LND, you will write land and building. Then investment, even on investment, you are making an adjustment. Correct. Let us write here itself. 1,80,000 in the inner column. Okay. Then comes what? Debtors. Again, you are having an adjustment. So, if we look inner column, we will be the amount 39,000. Then goodwill. अब जो goodwill पहले से है उसको हम लोग यहाँ पे हाथ लगाएंगे क्या? सवाल ये है, goodwill नया बनाया है, नया partner goodwill आया है. Yes, adjustment number 2. What they have said, Raju is paying 50,000 for the goodwill. So in that case, the old goodwill has to be discarded. उसको हम लोग निकाल देंगे यानी क्या करेंगे? Write off करेंगे. तो write off करने के लिए partners capital में क्या कर देंगे? Debt. Old या new? Old, very good. Okay, what is the amount? 12,000. So, 2 goodwill, 8,000 and 4,000. Yahan pe cash. Clear? Then comes profit and loss account. No, loss bhi hai isme? 12,000. Again, that will go in the same manner to the partner's capital account debit. 2, P&L account. It's clear. Yes, comfortable. Very good. Again, advertisement suspense. If advertisement suspense hai na, to is suspense ko kaha rakhenge? Partners ko de denge. Sidhi baat hai, kharcha hai, jo hame pata hi nahi hai kya hoga, to partners usko uthayenge. Naya partner uska loss bhi uthayega. Amount is how much? 12,000. 2. Advertisement suspense. 8,000. Then cash 30,600. So cash to mera asset hai. Cash 30,600. I hope the posting is clear till now. Iske bahut sare adjustments aane wale hain, to isko hum log baad mein karte hain. Okay, acha ek chhota sa kaam kar lete hain, uske baad hum log part 2 banayenge. Let us find the new profit sharing ratio. Okay, so new profit sharing ratio formula sabko yaad ho gaya hoga ab tak. I know कि सब लोग मेहनत कर रहे हैं. So new profit sharing ratio का formula क्या है? कोई बोले ना? बोल दो. मैं तेरे घर पे बोल दो पैट पैट. New profit sharing ratio is equal to what? 1 minus share of new partner into what? Old ratio. Yeah. तो पहला partner था आदिल. 1 माइनस न्यू पार्टनर को शेयर कितना दिया हम लोगों ने? 1/4, राइट? 1/4 इनटू व्हाट? 2:1 था ना, करेक्ट? ओल्ड रेशियो देखो, एग्जांपल दिया है उन्होंने. यस, कितना दिया? 2:1 बैलेंस शीट के बुक, करेक्ट? इनटू 2/3 रिजल्ट. 4 × 1 = 4 माइनस 1 = 3 अपॉन 4 इनटू 2/3 that is equal to 6/12. Clear? Similarly, Adil ke baad kaun tha? Sameer. 1 − 1/4 into 1/3. That is equal to 3/4 into 1/3. That is 3/12. और इसको बंदे को अपना कौन है? Raju. Raju को कितना profit दिया है? 1/4. Now if you see over here, it's upon 12, तो इसको भी अगर upon 12 करना है, तो अभी multiply with what? 3, right? 3/3, that is equal to 3/12, correct? So my new ratio is what? 6:2, 3:3, यानी 2:2, 1:1, is it clear? Yes. अब इसका काम क्या है? वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा. Then adjustment के लिए तुरंत लेते हैं in part 2.